हमने देखा, एक तो कल मुकाबला देखा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आप भूल गए कि नेपाल था, बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियस, क्योंकि एशिया कप शुरू हो चुका है। अच्छा, पाकिस्तान की टीम भी कल रात जीत के कैंडी पहुंच चुकी है, भारत की टीम ऑलरेडी पहुंच चुकी है। देखिए यार, अब पाकिस्तान की टीम अच्छी नजर आ रही है, बाबर आजम बहुत जबरदस्त है, उनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। लेकिन मैं आपको एक चीज कहूंगा, शायद आपको पसंद ना आए, वो ये कि यार पाकिस्तान की टीम मुझे बेहतर लग रही है। और अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल जस्ट क्रिकेट। दोस्तों, हाईलाइट्स आपने देख ली हैं, चंद सेकंड्स के बाद फुल वीडियो के जान भी चलेंगे। पाकिस्तान और भारत की टीम में जो कि एशिया कप में 2 सितंबर को मध्य मुकाबला होंगी, मैच से पहले ही भारतीय मीडिया को पाकिस्तान से हार का खौफ आने लगा। जी हां, भारतीय मीडिया के मशहूर एंकर विक्रांत गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान की टीम भारत से बेहतर टीम है, और भारतीय मीडिया के एंकर जो कि श्रीलंका में मौजूद है, उनका भी यही कहना है कि श्रीलंका में भी अगर हर किसी से पूछा जाए तो पाकिस्तानी टीम को ही फेवरेट बता रहा है। मजीद फुल वीडियो में देखें किस तरह भारतीय मीडिया मैच से पहले ही खौफ का रहा है। अगर उससे पहले अगर आप भी हैं क्रिकेट के फैन, तो क्रिकेट की हर लेटेस्ट खबर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक जो हमने देखा, एक तो कल मुकाबला देखा, पाकिस्तान ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली। आप भूल गए कि नेपाल था, बाबर आजम, विराट, रोहित, जब ये किसी टूर्नामेंट का आगाज 100-150 के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उनका वो मोमेंटम, रिदम, वो कॉन्फिडेंस भी रहता है, टीम का भी रहता है। इफ्तिकार ने नीचे आके 100 बनाया है, एंड द पाकिस्तानी बॉलिंग जो उनसे उम्मीद थी उन्होंने आके किया। पाकिस्तान एक मैच एशिया कप में जीत के जा रहे हैं, प्लस वो श्रीलंका में 3 मैच अभी अफगानिस्तान से हफ्ता पहले खेले थे, उनको इसका कितना बड़ा एडवांटेज है? देखिए, मैं आपको एक और चीज बताऊं, बताया मैंने, फैंस मुझे मिले जो फ्लाइट में हमारे साथ थे, जो क्रिकेट के मतलब जो जिनको क्रिकेट का कीड़ा होता है ना, उस तरह के फैंस मुझे फ्लाइट में मिले। मैं आपको, और फिर मुझे श्रीलंका के कुछ क्रिकेट फैंस जो हैं वो एयरपोर्ट पे मिले, मैं आपको उन दोनों के बारे में बताऊंगा, और क्योंकि आपने पाकिस्तान का सवाल पूछा तो उसी के से जुड़ा बताऊंगा। इंडियन फैंस मुझे 4-5 एक दो फ्लाइट में भी मेरे आसपास ही बैठे थे, तो पूरे फ्लाइट की जर्नी में यही बातें होती रही। ज़्यादातर भारतीय फैंस ने कहा, यार इस बार पाकिस्तान की टीम है ना वो अच्छी नज़र आ रही है, हमने भी वो मुकाबला देखा नेपाल के खिलाफ, उससे पहले अफगानिस्तान वाले मैचेस भी देखे, यार अब पाकिस्तान की टीम अच्छी नज़र आ रही है, बाबर आजम बहुत ज़बरदस्त है, उनका टॉप ऑर्डर सॉर्टेड है। और बड़ी तारीफ नवाज और शादाब की भी कर रहे थे कि यार मतलब उनमें से एक ने कहा, मैं तो कभी विश्वास ही नहीं कर सकता था कि नवाज उस एशिया कप का वो जो यूएई में मुकाबले हुए थे वो जिता सकते हैं। तो काफी तारीफ हो रही थी पाकिस्तान की गेंदबाजी की, तो कर ही रहे थे भारतीय फैंस, लेकिन उनकी बाकी टीम बैटिंग और बॉलिंग का जो कॉम्बिनेशन है उसकी तारीफ कर रहे थे। और फिर शायद वही बात हुई जो हमने कहा कि वही आप 7-8-10 साल पहले कहते ना, तो एक तरफा मुकाबला होता, भारतीय टीम काफी आगे थी, बल्कि 5 साल तक पहले भी आप मुझसे कहते भारतीय टीम काफी आगे थी। अब भारतीय फैंस के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, ज्यादातर मान गए कि 50-50 का मुकाबला है, भाई पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी नजर आ रही है। ये भारतीय फैंस का नजरिया था जिनको मैं आज ही सुबह एयरपोर्ट पे मिला हूँ या फ्लाइट पे मिला हूँ। अब मैं आपको श्रीलंकन फैंस के बारे में बताता हूँ। हमारे जो ट्रैवल एजेंट थे जिन्होंने हमारे लिए टैक्सी ऑर्गेनाइज कराई, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन है, तो उनके साथ मेरी शुरुआत हो गई बात कि भाई जयसूर्या बेहतर है या अरविंद डिसिल्वा बेहतर है, उस पर हमारी आर्ग्यूमेंट हो गई। फिर मुथैया मुरलीधरन लेकर और कलू विदारना, सबके ऊपर हमने श्रीलंकाई क्रिकेट पे काफ़ी बात की। जयवर्धने संगकारा बड़ी डिटेल में, इतने बड़े वो क्रिकेट के फैन थे, उन्होंने भी फिर पता क्या कहा, आप तो उन्होंने कहा, आप मुझे पता है आप इंडिया से हो, आप क्रिकेट के जर्नलिस्ट हो, आप इतनी चीज़ें बात करो, मुझे आपके साथ बात करके बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, शायद आपको पसंद ना आए, वो ये कि यार पाकिस्तान की टीम मुझे बेहतर लग रही है। और वो कह रहे हैं मुझे पाकिस्तान की टीम इसलिए भी अच्छी लग रही है फिलहाल, एक तो फिर अच्छा खेल रहे, उन्होंने कहा निजी कारण ये है कि यार हमारे क्रिकेट की ना काफ़ी मदद भी कर रहा है पाकिस्तान की टीम, जब कोई ज़्यादा हमारे साथ नहीं खेल रहा था या जब हमें वहाँ जाना था तो उन्होंने हमारी मदद की, हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये चीज़ भी मुझे पाकिस्तान टीम की बड़ी पसंद आ रही है, और वो क्रिकेट भी बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, तो उनकी पहली नज़र थी, काफ़ी अच्छे क्रिकेट को वो समझते थे। तो ये एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव मैं आपको दे रहा हूँ एक श्रीलंकाई फैन का। तो ज़्यादातर जो एक जनरल जो एक सेंटिमेंट है, चाहे वो भारतीय फैंस का हो या श्रीलंकाई फैंस का, सब कह रहे हैं इस बार कांटे की टक्कर है। और मुझे जो एहसास हो रहा है, ऐसा किसी ने कहा, मुझे जो एहसास हो रहा है उनकी बातें सुन के, कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं हम 19 तो नहीं है इस तरह की बातें हो रही। नहीं, आप देखिए, आज भी मैं कंडीशंस देख रहा हूँ स्पिनर्स और उनका, देखिए पाकिस्तान का बैलेंस्ड बॉलिंग अटैक तो है, ये 3 आउटर और फास्ट बॉलर खिलाते हैं, वो नवाज खेलेंगे और शादाब खेलेंगे,